लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उसके पास अच्छे नेताओं की कमी है। मीडिया से चर्चा करते हुए सत्यदेव कटारे ने कहा कि बीजेपी ने भागीरथ प्रसाद और राव उदय प्रताप सिंह को कांग्रेस से आयातित किया है। उन्होंने ये तक कह डाला कि भागीरथ प्रसाद को तो भाजपा ने हाईजैक किया है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि बीजेपी को जरूरत हो तो कांग्रेस से और नेताओं को ले जा सकते हैं। सर और ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, आधा दर्जन में से तीन बीजेपी वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। नाम बता दें तो कांग्रेस भी देगी बीजेपी वाले? नहीं, कांग्रेस के हिसाब से काम करती है और कांग्रेस के हिसाब से काम करेगी, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। भिंड में हम प्रत्याशी भी अच्छा देंगे, विदिशा में भी अच्छा देंगे और चुनाव को आप देखेंगे आपको भी लगेगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव रोचक हो रहा है। राव उदय प्रसाद को और भागीरथ प्रसाद को जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया, क्या कांग्रेस भी उन प्रत्याशियों पे? नहीं, इससे बीजेपी की कंगालीपन दिखता है, उनके यहाँ नेताओं का अभाव पड़ गया है ऐसा लगता है। उदय प्रताप सिंह जी हमारे यहाँ से उन्हें आयात कर लिए, भागीरथ जी हमारे यहाँ से आयात किए, भागीरथ जी को तो हाईजैक करके आयात किया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उनपे और कहीं कैंडिडेट कम हो तो हमें बता दें, हम उनकी मदद कर देंगे। सत्यदेव कटारे ने भाजपा पर ओला पीड़ितों के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की बात पर कहा कि अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ओला पीड़ितों की सहायता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने नहीं गए। वहीं भोपाल लोकसभा से पीसी शर्मा को टिकट दिए जाने से नाराज चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आरिफ अकील के मामले में उन्होंने कहा कि ये घर का मामला है, जल्द सुलझा लिया जाएगा। देखो, ये कांग्रेस बड़ा परिवार है, पुराना परिवार है, अगर थोड़ी बहुत कहीं मत भिन्नता आ भी जाती है तो परिवार के मामले हम लोग सब बैठ के सुलझा लेंगे, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुराने और कुशल आदमी हैं आरिफ अकील जी, पुराने और कुशल आदमी हैं पीसी शर्मा जी, इसलिए हम लोग सब बैठ के सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। EMSTV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।